वेलकम टू आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल क्लास फिफ्थ। फिफ्थ में बच्चा चल रहा है अपने चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के अंदर देखो मैंने आपको पॉइंट के आधार पर करवाया है। देखो चैप्टर वन था, नंबर वन पॉइंट है, पॉइंट के क्वेश्चन आंसर करवाए, फिर सेकंड पॉइंट उसके क्वेश्चन आंसर, फिर थर्ड पॉइंट उसके क्वेश्चन आंसर, फिर अपन फोर्थ के पॉइंट समझाया और इसके क्वेश्चन आंसर कराए। आज अपन चलेंगे सप्ताह, ये दो टिक द राइट है, इसमें दोनों ऑप्शन दे रखा है चार, उसमें से जो राइट है उसको टिक करना है और फिर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पंक्तियों को छाट कर उसका अर्थ लिखना है, पंक्तियों को छाट कर उसका अर्थ लिखना है, तो उसको अपन नहीं कराएंगे क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, टिक द राइट, सौगात का अर्थ होता है, सौगात का अर्थ क्या है, उपहार। तो ये तो आपको बुक में ही फील कर लेना है, आपको बुक में ही फील कर लेना है, मैं ये नोटबुक में नहीं करा रही हूँ। ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखो, नंबर वन, सौगात का अर्थ होता है सोगरा, सागर, उपहार या सौगंध, तो आप क्या करोगे, उपहार, इस पर राइट का टिक कर लोगे। सेकंड, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, कितनी होती है, एक, सात, बारह या नौ, साल भर में कितने महीने होते हैं, बारह, तो उस पर राइट का टिक करना है। अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, जो है क्वेश्चन आंसर, जो है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर वन, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, क्वेश्चन नंबर वन है आपके, अधिक गर्व की क्या बात है, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही, आंसर लिखेंगे आप, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है, सबसे अधिक गर्व की बात है। क्वेश्चन वन क्या है देखो, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, हिंदुस्तान में जन्म लेना ही या हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। फिर वन लाइन का के, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करोगे वन लाइन का गैप करके फिर करना है, क्वेश्चन आंसर फिर वन लाइन का गैप करना है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फिर आंसर करेंगे अपन, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं, और बाद में फूल
मिलते। इस चैप्टर में इसका अर्थ क्या बताए, पहले काटते बाद में फूल का, मतलब पहले हमें कष्ट सहन करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें फूलों की तरह खुशबू मिलती है या खुशियां मिलती है। वन लाइन का गैप करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात की गई है? व्रतों की बात की गई है। आंसर लिखेंगे अपन, कौन से व्रतों की बात की गई है कविता के अंदर? कविता में हमारे त्याग और बलिदान, कविता में हमारे त्याग और बलिदान, आधा तय ध्यान रखना, त्याग और कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है, आदि व्रतों की बात की गई है, कही गई है। कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। फिर वन लाइन का आगे क्वेश्चन नंबर 4, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, बालक मतलब बच्चे, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? मातृभूमि की सावधानी के साथ सावधानी के साथ, दिख रहा है ना बच्चा, रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। वन लाइन गेम क्वेश्चन नंबर 5, वन लाइन का गेम क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बात है? आंसर लिखेंगे इतिहास के पन्नों में
ये लिखी हुई है कि ये लिखी हुई है कि शत्रु के युद्ध शत्रु से युद्ध युद्ध करने के लिए शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित चकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण वीरता और साहस के कारण वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे हैं। इतिहास के पन्नों में लिखे हैं इतिहास के पन्नों में लिखे हैं ये हो गया आपके कोर्ट का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर यही है। देखो कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको? पेज नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर 3 नीचे से समझ में आया। क्वेश्चन 3 से लेके 9 तक मैंने यहाँ 1, 2, 3 क्रमांक लिखा है। कर लोगे डायरी एंट्री आपको CW लर्न कर लोगे बेटा? वेरी गुड, थैंक यू।